आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझने के लिए हमको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को समझना पड़ेगा, एंड एक और थ्योरम है दैट इज कॉल्ड कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हैं ये डायरेक्टली जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उस पर क्वेश्चन कभी भी पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को समझने के लिए मैं एक सेट ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसको हम लोगों ने पहले कैरेमेंट्स रूल की हेल्प से सॉल्व करना सीखा है। सपोज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। लैम्डा इज नथिंग बट रियल नंबर एंड एक्स इज अ मैट्रिक्स एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लिए हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना चाहते हैं क्या होंगे, एंड बाकी सारी बातें भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है एंड अदर चीजें क्या है, हैमिल्टन थ्योरम क्या है, वो भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिस्कस करेंगे। मैं इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए साइड में आपको इक्वेशन का एग्जांपल लेते हुए चलता हूं। सपोज ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू एंड ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड। दिस इज मैट्रिक्स ऑर्डर 3x1, दिस इज 3x3, तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एक्स वाई जेड। ओके, मैंने ये इक्वेशन लिख दिया इससे रिलेट करने के लिए, अब वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट के लिए, सॉरी इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले इक्वेशन को इस तरह से लिख रहा हूं ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू, तो दिस विल बी अ नल मैट्रिक्स। अब इसमें से मैं एक्स कॉमन निकाल रहा हूं, तो दिस विल बी ए माइनस लैम्डा नहीं होगा, क्या होगा लैम्डा आई, दिस विल बी इनटू एक्स। सिंपल सा मैट्रिक्स के जो कंसेप्ट है उसको मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। देखिए अब अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से, तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होगा फाइनली आप देख लीजिए, वहां से आप इसको रिलेट कर लीजिए, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई। एंड ये एक मैट्रिक्स है एक्स जो हमने वहां पे लिखा हुआ है। अब इस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इनटू सम इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो इसको क्या बोलते थे, होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस। और होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस का एक तो सॉल्यूशन ऑलवेज था, दैट इज जीरो जीरो एंड जीरो, कैरेमेट्स रूल को याद करिए आप। एंड अगर उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना है, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, जीरो 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 के अलावा और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि एक बार कैरेमेट रूल देखिएगा, अगर ये जीरो नहीं होगा देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वो सिर्फ जीरो जीरो एंड जीरो। अब मैं क्या देख रहा हूं, मुझे इसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो दिस डिटरमिनेंट शुड बी जीरो। तो मैं बोल रहा हूं इफ, तो ये लिखा है होमोजीनियस इक्वेशन, तो इफ अबव होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन
अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उस केस में दिस डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। एंड ये जो लिखा हुआ है टर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आप इसको जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा एक पॉलिनोमियल इन लैम्डा। देखिए कैसे, अगर आप इसको लिखने वाले हैं तो आप इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए सॉरी यहां पर आप लिखेंगे तो इसको मुझे माइनस, दिस इज अ मैट्रिक्स, पहले लिख लेते हैं इसको मैट्रिक्स ए, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये मैट्रिक्स ए हो गया। माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या होगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये आएगा लैम्डा जीरो 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 लैम्डा जीरो 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 लैम्डा, ये मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट हमको क्या करना है, जीरो। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या होने वाला है, दो मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, करस्पोंडिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करते हैं। जब करस्पोंडिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए वन वन माइनस लैम्डा, ये इतनी रहने वाला है, ये भी सेम रहने वाला है, ये भी सेम रहने वाला है, यहां पर क्या हो जाएगा ए टू टू माइनस लैम्डा, एंड बाकी ये सारे सेम रहेंगे, सिर्फ लास्ट वाले में ए थ्री थ्री माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो मैं उसको यहां पर लिख देता हूं, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए वन वन माइनस लैम्डा, ए वन टू, ए वन थ्री, टू वन, ए टू टू माइनस लैम्डा, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री माइनस लैम्डा, दिस डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये होगा। अब देखिए ये जो डिटरमिनेंट है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होने वाला है, आपको लैम्डा में क्यूबिक मिलने वाला है। ओके, तो दिस विल बी अ क्यूबिक इन लैम्डा, मैं इसको अगर नंबर रहेंगे तो हम लोग उसमें बनाएंगे भी क्वेश्चंस में, तो दिस विल बी अ क्यूबिक इन लैम्डा। ओके, अब देखिए इस लैम्डा में जब क्यूबिक बनेगा तो उससे कुछ रूट्स भी होंगे, इनफैक्ट उन्हीं रूट्स को, वो जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी उन्हीं को बोलते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया है 3x3 के लिए, लेकिन अगर वो एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स होगा तब क्या होने वाला है, ये जो पॉलिनोमियल बनेगा ऑफ डिग्री एन बनेगा, एंड उसको बोलते, उस जो पॉलिनोमियल बनता है पूरा उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एंड ये जो इक्वेशन पूरा बनेगा लैम्डा में, जो भी पॉलिनोमियल बनेगा उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ओके, ये दोनों चीजें आपको क्लियर जाननी चाहिए, अब आइगन वैल्यूज क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये जो इक्वेशन बनेगा उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड जो वैल्यूज आएंगी उसकी उसको बोलते हैं क्या, आइगन वैल्यूज। एंड उस समय एक्स की जो वैल्यू आएगी, उस एक्स की वैल्यू को, एक्स मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, आइगन वेक्टर्स। क्लियर, तो लैम्डा की वैल्यूज क्या है, आइगन वैल्यूज, एक्स क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर, एंड ये जो बनेगा पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम का। सो आर्थर केले एंड विलियमसन हैमिल्टन ने एक थ्योरम दिया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
satisfies a polynomial. Every square matrix satisfies a polynomial. And वो polynomial कुछ और नहीं था, हमारा characteristic polynomial जो हम लोगों ने पिछली केस में बात किया था जब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाला था। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है, अगर देखिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला है फॉर अ मोमेंट ए माइनस लैम्डा आई की हम लोग बात करते हैं, ये अपना क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था। तो द स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सपोज हमने सॉल्व किया है और फॉर अ मोमेंट मैं मान रहा हूँ ये इस ऑर्डर 3 का है, तो लैम्डा में क्यूबिक आएगा, मींस वो कुछ इस टाइप का आएगा। देखिए ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस स्मॉल डी इक्वल टू 0, ये आने वाला है। एंड अगर मैं यहां पे ये जो लिखा हुआ है लैम्डा को, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड अगर मैं इसको चाहूं तो बोलूंगा कि अगर मैं लैम्डा को रिप्लेस कर दूं यहां पे ए से मैट्रिक्स फॉर्म में, मींस मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखिए ए इंटू ए क्यूब प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस डी इंटू आई, ध्यान देखिए मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ही एड होगा, इसको लिखेंगे क्या आई एंड दिस इज इक्वल टू 0, मींस अब वो नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो अगर आप इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड को पूरा सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी अ नल मैट्रिक्स। तो यही था केले हैमिल्टन थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो इस थ्योरम को आप चाहें तो लिस्ट आउट कर सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, अब देखिए इन सब का यूज क्या होता है, क्यों आखिर हम लोगों ने आइगन वैल्यू देखा है, क्यों आइगन वेक्टर देखा है, एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देख रहे हैं उसका यूज क्या है, केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज किया है। तो ओके, इस कंसेप्ट को पहले थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, इनफैक्ट आप बोलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं ए जो कि है 1 7 2 -1, मैंने 2x2 का लिया हुआ है, तो मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकता हूं एंड दिस ए विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए तो चलिए पहले बताइए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा क्या, वो होगा ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा वो, ए 1 -λ 7 -2 एंड यहां पर बन जाएगा -1 -λ, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या होता, ये बन जाएगा, तो देखिए इसमें से आप लिखेंगे तो ये बनेगा 1 -λ (-1 -λ) -(-2)/7, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये बनने वाला है। तो ये फाइनली देखिए क्या बन जाएगा, इसमें से आप माइनस बाहर निकालेंगे तो ये 1 + λ बनेगा और ये बनेगा 1 - λ, तो बन जाएगा वो 1 - λ² और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा λ² - 1 एंड यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +14 = 0। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है, दिस इक्वेशन विल कम λ² + 13 = 0, ये आ रहा है इक्वेशन। अब आप देखिए ये
ओके आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पे 14 था, तो यहाँ पर आएगा 14, दिस विल बी माइनस 14, तो दिस विल बी माइनस 15. जो ए है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 15i, दिस विल बी नल मैट्रिक्स. दिस इज द केले हैमिल्टन थ्योरम. अब ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग साइड से. देखिए ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी बी 172 माइनस 1 एंड 172 माइनस 1, दिस विल बी मल्टीप्लाई करिए देखिए 1 एंड 14, दिस विल बी 15, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, 14 प्लस 1 15. ओके दिस इज ए स्क्वायर. देख लीजिए ए स्क्वायर क्या है, 15 0 0 15 माइनस 15 आई सिंपली क्या होगा 15 0 0 15. आप देख सकते हैं दिस विल बी नथिंग बट अ नल मैट्रिक्स 0 0 0 0. तो ये क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स. तो ये बेसिक कंसेप्ट है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि इन सब को इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज करेंगे. ओके okay? अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग. तो पहला एग्जांपल लेते हैं. इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2, and A inverse is equal to X A square plus Y A plus Z I, then find X plus Y plus Z. तो हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑफ 3x3 एंड एक इक्वेशन दिया है A इनवर्स इज इक्वल टू X A स्क्वायर Y A Z I, एंड ऑब्वियसली X Y एंड Z आर रियल नंबर्स. हमको फाइंड आउट करना है X प्लस Y प्लस Z. तो क्या करेंगे हम लोग, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दोनों बातें सेम होती हैं. तो वो क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई, तो दैट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 2 माइनस लैम्डा, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0. तो ये हमको क्या दे देगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा. तो यहां पर क्या मिलेगा, ये क्यूबिक मिलेगा, एंड जब ये क्यूबिक मिलेगा तो उसमें हम लोग ए डालेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स ए में एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसका यूज करके हम लोग इस इक्वेशन के इक्वल करेंगे, देन एक्स वाई जेड को फाइंड आउट कर लेंगे. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको. तो देख लीजिए आप पहले क्या करिए, इनफैक्ट ये लिखा है जो 1 लिखा है, इसकी हेल्प से हम लोग 2 0 क्रिएट कर लेंगे. तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R3 से, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, एंड R1 को रिप्लेस करूँगा R1 माइनस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स आर थ्री. ओके तो ये वाला भी 0 बन जाएगा.
देखते हैं ये क्या बनेगा, देन दिस विल बी डिटरमिनेंट। यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर वन है, तो इसमें आर थ्री में आप वन को पहले लिखते हैं, टू माइनस लैम्डा से आर थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी टू माइनस लैम्डा, तो वन माइनस टू माइनस लैम्डा, तो दिस विल बी वन माइनस टू माइनस लैम्डा, एंड इसमें टू माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस टू माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। ओके, एंड रो टू को लिखना है, तो रो टू को क्या किया है, रो टू माइनस रो थ्री, तो वन माइनस लैम्डा माइनस वन, वन माइनस लैम्डा माइनस वन, वन माइनस टू माइनस लैम्डा, एंड आर थ्री तो ऐसा ही रहेगा वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, वन माइनस टू प्लस लैम्डा, तो दिस विल बी लैम्डा माइनस वन, जीरो लैम्डा माइनस वन, एंड यहां पर देख लीजिए आप स्क्वायर स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस फोर लैम्डा, तो दिस विल बी माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर बनेगा, माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा, एंड प्लस फोर बनेगा तो माइनस थ्री हो जाएगा फाइनली ये। ओके, दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देख लीजिए क्या बनेगा, ये वन माइनस लैम्डा एंड माइनस वन, तो ये सिंपली बनेगा माइनस लैम्डा, यहाँ पर तो जीरो है, एंड ये बनेगा वन माइनस टू प्लस, दिस विल बी लैम्डा माइनस वन एंड वन वन टू माइनस लैम्डा। अब मैं इसको कॉलम थ्री से एक्सपेंड कर दूंगा तो मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगा, तो मैं इस वाले को इरेज कर रहा हूं। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा दैट विल बी लैम्डा माइनस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ माइनस लैम्डा करेंगे तो प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा, तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस वन सॉरी प्लस वन माइनस टू लैम्डा एंड माइनस लैम्डा क्यूब प्लस फोर लैम्डा स्क्वायर माइनस थ्री लैम्डा। ओके, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस फाइव लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो, एंड माइनस से डिवाइड भी कर दीजिए तो दिस विल बी लैम्डा क्यूब माइनस फाइव लैम्डा स्क्वायर प्लस फाइव लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ऑब्वियसली ए इसको सेटिस्फाई करेगा यूजिंग द केले हैमिल्टन थ्योरम, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ए क्यूब माइनस फाइव ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाएगा, जहां पे कॉन्स्टेंट होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे वन तो नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर वन लिखेंगे तो मैट्रिक्स में कॉन्स्टेंट तो ऐड नहीं होता है, तो सिंपली यहाँ पे आई लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, ए क्यूब की वैल्यू देख लीजिए कितना आ जाएगा, ए क्यूब विल बी पूरे को राइट में लेके आ जाइए। इनफैक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो आई को आप राइट में लेके आइए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस फाइव सॉरी माइनस फाइव ए स्क्वायर प्लस फाइव ए इक्वल टू आई। अब मैं ए इनवर्स से पूरे में मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, इसके बाद यहां पे लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस केस में होगा आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, वो मुझे देख के ही दिख रहा है कि इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो वो नॉन जीरो आएगा। ओके, अब ये देखिए जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फाइव आई इक्वल टू ए इनवर्स, आप इसे कंपेयर कर लीजिए तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वन
वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड जेड इक्वल टू फाइव, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, वन। ओके, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए 1 0 2 0 2 1 2 0 3 and verify that A satisfies its characteristic equation and hence find A inverse. Okay. तो इस केस में क्या करना है, हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है और वेरीफाई करना है कि ए मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा एंड यूजिंग दैट हमको फाइंड करना है इनवर्स। पिछले केस में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इनवर्स का एक रिलेशन दिया हुआ था, वहां से उसने पूछा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, क्या होगा, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो ऑलवेज इसमें कोई चेंज नहीं आना है, हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहीं से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, तो दिस विल बी वन माइनस लेमडा जीरो टू एंड जीरो टू माइनस लेमडा वन टू जीरो थ्री माइनस लेमडा, ये आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई, देखिए एक जीरो है तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली उसको ओपन कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा, देखिए वन माइनस लैम्डा टाइम्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एंड दिस विल बी टू माइनस लैम्डा इंटू थ्री माइनस लैम्डा एंड माइनस जीरो आ जाएगा एंड माइनस ऑफ जीरो प्लस टू इंटू, यहां से ओपन कर दीजिए, ठीक है, तो मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूं इसको, दिस जीरो एंड यहां पर लिखेंगे तो टू इंटू जीरो माइनस जीरो माइनस टू इंटू टू माइनस लैम्डा एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा वन माइनस लैम्डा इंटू टू माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा थ्री माइनस लैम्डा, तो इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, देखिए माइनस टाइम्स लैम्डा क्यूब माइनस सिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस इलेवन लैम्डा माइनस सिक्स एंड प्लस, ये दोनों हो जाएगा माइनस फोर एंड दिस विल बी माइनस एट, तो दिस इज माइनस एट एंड प्लस फोर लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, मैं माइनस से डिवाइड कर देता हूं, तो दिस विल बी लैम्डा क्यूब माइनस सिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस इलेवन लैम्डा माइनस सिक्स प्लस एट माइनस फोर लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब देख लीजिए क्या बन जाएगा, दिस विल बी लैम्डा क्यूब एंड माइनस सिक्स लैम्डा स्क्वायर
प्लस 7 लैम्डा एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमको वेरीफाई करना है कि जो ए है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें काम रहेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यूब, फिर क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, एंड फिर हमको मैट्रिक्स को इसमें पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो काम करना ही पड़ेगा इस केस में। तो यहां पर अब देखते हैं कि पहले तो चेक करते हैं ए स्क्वायर कितना आएगा। तो ए स्क्वायर विल बी 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या बनेगा, मैं फटाफट से लिखता चल रहा हूँ। देखिए 1 0, तो यहां पर आएगा 5 0 0 0 2 0 and 6, तो 8 हो जाएगा यहां पर। उसके बाद 0 0 and 2 0 4 0 0 2 and 3, तो 5 हो जाएगा, 2 0 6, तो 8 हो जाएगा, 0 0 and 0, 4 0 and 9, 4 9 13, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यूब निकालना है हमको, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो मैं यहां पर निकाल रहा हूँ ए क्यूब इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 5 0 8 2 4 5 2 4 5 8 0 13 8 0 13, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ओके, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो हो सकता है किसी के दिमाग में आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर नंबर बड़े होंगे तब क्या होगा। तो ऑब्वियसली यार, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना तो कॉमन सेंस उसके पास भी है कि आपको बहुत बड़े नंबर नहीं देगा, अदरवाइज ये काम जो मैंने इतने आसानी से मल्टीप्लाई कर दिया था आप समझ सकते हैं, फिर उसको एड इवेंट करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो लेंदी हो रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 5 0 16, तो ये हो जाएगा 21 0 0 0 0 10 0 and 24 to 34, 2 0 10, so 2 and 10 12 0 8 0 4 4 and 15, so 4 4 8 or 15 23, and lastly 8 0 or 26, so 26 and 8 34, 0 0 0 16 0 and 39, so 39 and 16, so 40 and 15 55, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब। तो हमने ए क्यूब निकाल लिया है, ए स्क्वायर निकाल लिया है, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ए, तो देखिए क्या होगा, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो देखिए ए क्यूब कितना आएगा। okay, मैं बाकी चीजें रेज कर देता हूं, सिर्फ इस इक्वेशन को रहने देता हूं।
तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब मीन्स 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर पुट करेंगे तो दिस विल बी 5 0 8 2 4 5 8 0 13 + 7 a 7 लैम्डा, तो यहाँ पर a डालेंगे तो दिस विल बी 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड प्लस 2, तो 2 i लिखेंगे तो दिस विल बी 2 0 0 0 2 0 0 0 2. So this should be equal to null matrix. Okay. देखिए अब क्या होगा, अब वेरीफाई कर लेते हैं इसको. ठीक है, देखिए अब ये क्या बनेगा फाइनली. तो 21, मैं सारे एक साथ लिखते हुए चल रहा हूं, देख लीजिएगा वो null matrix बनना चाहिए बस. तो 21 -30 + 7 + 2. तो देखिए प्लस में यहां पर 21 है और 7 है और 2 है, तो 21 और 7 28 एंड 2 30, और यहां पर क्या बनेगा -30. तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 0. यहां पर देखिए 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बनेगा 0. एंड 34 है प्लस में, माइनस में 48, देखिए प्लस में कितना बनेगा, तो माइनस वाले सिर्फ यही बनने वाला है, तो मैं हर बार इन तीनों को ऐड करूंगा और इससे सबट्रैक्ट कर दूंगा. 34 14 कितना जाएगा 48 एंड 0, तो -48 दिस विल बी 0. यहां पर चेक कर लीजिए माइनस में 12 बन रहा है, तो ये 0 और ये 0 और प्लस में 12 12 -12 0, प्लस में 8 है एंड 14 8 और 14 22 और 2 24. ठीक है, यहां पर देख लीजिए 6 × 4 24, तो ये भी 0 हो जाएगा. आप इसी तरह सारे निकाल लेंगे तो ये सारे क्या आने वाले हैं, नल मैट्रिक्स. ओके, तो दिस वेरीफाइज कि ऑब्वियसली ये O है, तो ये नल मैट्रिक्स आ गया है. तो ये क्या हो रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने कि दिस ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब हम लोग क्या करना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके देखिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे. तो उसके लिए जिस चीज का मुझे जरूरत पड़ने वाला है वो ए स्क्वायर ए है, तो मैं उनको अभी रहने देता हूं. तो ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो वो यहां से दिख रहा है मेरे को. तो देखिए क्या है, तो मैं क्वेश्चन को यहां पर इरेज कर रहा हूं. देखिए अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो मतलब कैसे निकालेंगे, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, दिस वाज ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस आई थिंक दिस इज प्लस 2 आई प्लस 2 आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स. तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे में. जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वो ए इनवर्स पूछ रहा है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स कैसा रहा होगा, नॉन सिंगुलर, तभी वो पूछ रहा है, अदरवाइज पूछने का सेंस ही नहीं बनेगा उसमें. ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होगा, देखिए ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करिए, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स. ओके, तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर, दिस विल बिकम 6a प्लस 7, ये i हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 2a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. ओके, तो a इनवर्स देख लीजिए क्या मिल जाएगा, a इनवर्स विल बी 1/2, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर
प्लस ऑफ 6a माइनस 7i ये आ जाएगा। एंड a स्क्वायर हमको मालूम है, a मालूम है और ये मालूम है, तो a क्यूब का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या आता है इनवर्स, तो a इनवर्स विल बी 1/2 एंड माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 and 13 एंड ये हो जाएगा, देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो माइनस 1/2 इसमें आ गया। तो एक काम करिए, यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है तो इसमें माइनस कर दीजिए, तो माइनस 1/2 ए स्क्वायर हो गया एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3a, तो दिस विल बी प्लस 3a, तो 3a a की वैल्यू ये है, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो दिस विल बी 3 0 6 0 6 3 6 0 9 एंड ये हो जाएगा माइनस 7/2i, तो दिस विल बी माइनस 7/2 0 0 0 7/2 0 0 0 7/2 ये हो जाएगा। तो देख लीजिए ए इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए, माइनस 5/2 एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस 7/2, तो माइनस 12/2 माइनस 6 एंड प्लस 3, तो दिस विल बी माइनस 3, ठीक है। सेकंड एलिमेंट चेक कर लीजिए, ये 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ से बनेगा माइनस 4 प्लस 6 एंड 0, तो प्लस में 2 आ जाएगा, माइनस 1 0 0 तो ये माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 6 तो प्लस 4, प्लस 4 एंड माइनस 7/2, तो दिस विल बी 1/2 एंड लास्टली देख लीजिए माइनस 5/2 प्लस 3, तो यहाँ पर ये वाला चेक कर लीजिए, माइनस 2 एंड प्लस 6 मीन्स प्लस 4 माइनस, ठीक है, एंड दिस इज माइनस 5/2 प्लस 3 मीन्स प्लस 1/2 मतलब सॉरी प्लस 1/2 एंड तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 6 मीन्स प्लस 2, तो ये सॉरी हाँ ठीक है प्लस 2 आ जाएगा सही एंड 0 0 0 माइनस 13/2 एंड यहाँ पर आ जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं माइनस 7/2 तो माइनस 20/2 तो मीन्स माइनस 10 एंड प्लस 9 तो माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। ओके, तो हम लोगों ने आज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लिया है एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर क्या होते हैं ये देख लिया है एंड केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है तीनों में, दैट इज ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रहे तब भी चलेगा, जेई में नाम से वो नहीं पूछने वाला है, हाँ लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका काफी यूज होगा, जैसे हमने इसी केस में देखा है कि उसकी हेल्प से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके?